देखिए, क्योंकि आज आदरणीय अमित शाह जी हरियाणा के अंदर आए थे, बीसी सम्मान समारोह, उसमें उन्होंने बीसी समाज के लोगों को संबोधित किया है और बहुत सारी ऐसी जो लंबे समय से कुछ समस्याएं थी उस समस्याओं का भी समाधान आदरणीय अमित शाह जी ने किया है। उसका गजट नोटिफिकेशन भी हो गया है और कांग्रेस जिस प्रकार से भूपेंद्र हुड्डा हिसाब मांगो यात्रा को लेकर के चल रहे हैं, आज आदरणीय अमित शाह जी ने गांव-गांव के हर गांव का हिसाब उनको दिया है और उन्होंने कुछ ये भी कहा है कि हम एक एक गांव का हिसाब देने वाले हैं कि हमारी सरकार ने 10 वर्षों में हर गांव के अंदर कितना पैसा खर्च किया है। भूपेंद्र हुड्डा भी अपने 10 वर्ष का वो हिसाब मांग रहा है, अपना हिसाब लेकर के हर गांव के अंदर जाए कि हमारी सरकार ने गांव के अंदर कितना पैसा खर्च किया है। ये खाली झूठ बोल करके लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति फैला करके वो गुमराह करते रहते हैं और हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं। वो भी अपना हिसाब दे कि उन्होंने क्या क्या काम अपने टेन्योर के अंदर किए हैं। और हमने तो प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से 5 सरपंचों को मौके पर ही उनके गांव के अंदर कितना पैसा खर्च किया गया आदरणीय अमित शाह जी ने मंच के ऊपर से बताया, उन सरपंचों को भी सम्मानित किया और आदरणीय अमित शाह जी ने इस बात को लेकर के कहा कि हमारा कार्यकर्ता एक एक गांव के अंदर जाकर के वो हिसाब देने का काम करेगा कि हमारी सरकार ने 10 वर्षों में कितना पैसा खर्च किया है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपने 10 वर्षों का हरियाणा के लोगों को हिसाब दे कि मैंने अपने समय के अंदर इतना पैसा खर्च किया। जबरदस्त लोगों का पूरे प्रदेश में साथ मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। जब हम सवाल पूछ रहे हैं कि हरियाणा मांगे जवाब, भाजपा सरकार से 10 साल हरियाणा बेहाल, जवाब भाजपा सरकार से ना मांगे तो और किससे मांगे। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में है, देश में सबसे ज्यादा अपराध आज हरियाणा प्रदेश में, सबसे ज्यादा नशा पंजाब से भी ज्यादा नशा आज हरियाणा में बढ़ गया है। आज गरीब के अधिकारों से उसको वंचित किया गया है, गरीब की सारी योजनाओं को बंद हरियाणा में करने का काम इस सरकार ने किया है। किसान के साथ अत्याचार, हमारी बेटियों के साथ अत्याचार, सरपंचों, कर्मचारियों, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, हर वर्ग के साथ दुर्व्यवहार इस सरकार ने किया है। तो इसीलिए इस सरकार से हिसाब ना मांगे तो किससे हिसाब मांगे। हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम इन्होंने किया 10 साल, ऐसे में हम लोग के बीच में जा रहे हैं और लोगों का रुझान ये बता रहा है कि हरियाणा में भाजपा की सरकार जा रही है और बहुत जल्दी कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आ रही है। ये इन्होंने ना तो 2014 की अपनी घोषणाएं पूरी की बीजेपी ने, ना 2019 की अपने घोषणा पत्र में से। मैं पूछना चाहता हूँ, 9000 बेरोजगारी भत्ते क्या हुआ जो बीजेपी के घोषणा पत्र में था? मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी से, 5100 बुढ़ापा पेंशन का क्या हुआ? स्वामीनाथन कमीशन, किसान की आमदनी दुगनी का क्या हुआ? हर शहर के अंदर मेडिकल कॉलेज देने की घोषणा का क्या हुआ? हम भाजपा से पूछना चाहते हैं, 14 और 19 की घोषणा ही पूरी नहीं हुई। अब ये सरकारी फैसले मत मानना इनको, जो ये कैबिनेट के फैसले, अब तो एक महीने बाद चुनाव है, अब तो जो करेगा वो तो अगली सरकार ही करेगी। तो ये घोषणा पत्र ही है इनका, जब 14 और 19 के घोषणा पत्र इन्होंने पूरा नहीं किया तो अब ये 24 का घोषणा पत्र पूरा करेंगे, ऐसी कोई उम्मीद इनसे नहीं है। अमित, देखिए आंकड़े ये दे रहे हैं, आज केंद्रीय गृह मंत्री जी आए, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और हुड्डा साहब आंकड़ों के आधार पर हिसाब मांगे, और आंकड़े नहीं, हम आंकड़े उनको बताना चाहते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री जी के खुद के महकमे की रिपोर्ट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट, ये दर्शा रही है कि देश में सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा में, सबसे ज्यादा देश में डकैती हरियाणा में,
सबसे ज्यादा देश में अपहरण के केसेस हरियाणा में, महिलाओं के ऊपर अपराध में देश में नंबर एक हरियाणा, हत्या दर में देश में नंबर दो हरियाणा। ये मैं नहीं कह रहा, ये दीपेंद्र नहीं कह रहा, या कोई कांग्रेसी नहीं कह रहा। अमित शाह जी आए थे आज, वो हुडा साहब से आंकड़े मांग रहे थे, ये आंकड़े उन्हीं के महकमे द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के, ये उन्हीं के आंकड़े हैं। मैं उनसे तो ये पूछना चाहता हूँ, जब उनका महकमा ये बता रहा है कि देश में अपराध में देश में सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा में, तो हरियाणा की जनता भाजपा को क्यों वोट दे? वो यहाँ पे आए तो ये बता के जाएं। उनका ये भी कहना है कि बीसी का, कांग्रेस बीसी का आरक्षण खत्म करके, देखिए सारे